हो चुका है उसको, मैं हमारा खानदानी जो तरीका है उसके हिसाब से जैनुल आबिदीन दीवान सही जैनुल आबिदीन को सज्जाद जी से बर्खास्त करता हूँ। गद्दी के ऊपर मैंने गद्दी का कब्जा ले लिया है, गद्दी में गद्दी रशीद सज्जाद रशीद भाई नाम का हो चुका हूँ। वो मैं मुफ्ती साहब से मैंने राय ली, जबानी तौर पर कहा मुर्तद हो चुका है वो, हनफी फतेह के लिए हम लिखित में ले लेंगे। और वो आदमी जब हनफी मुसलमान नहीं रहा, सज्जाद रशीद नहीं हंसता, खरीद मेरे दादा हुजूर की गद्दी को बदनाम कर रहा है वो तरह। आज के तीनों अखबारों में बयान उसका तलाक के लिए, कुरान मजीद और तलाक के लिए बयान है, उसके हिसाब से मुर्तद हो चुका है वो मुसलमान नहीं रहा। ये मैंने ही कहा, मुझे मुफ्ती साहब से जवाब लिया गई है, मुझे कलमा नसीब नहीं होगा झूठ बोलूँ तो। बाकी विधिवत रूप से लिखित में मैं तमाम प्रशासन जो दरगबीर जो तरीका है वो करूँगा। मैंने गद्दी अखबार कर लिया, सज्जाद रशीद सैयद अलाउद्दीन आरिफ चिश्ती बन चुका है गरीब नवाज की नजर करम से। वो आदमी नालायक है, नाहल है गद्दी के लिए। पहले वहाबियों की देवबंदियों की आप लोग सबको मालूम है, उसने दावते की हैं यहाँ उनका इस्तेमाल किया है सुन्नतुल्लाह का, गरीब नवाज का गुस्ताख है उनका इस्तेमाल कर सकता है, देवबंदियों का इस्तेमाल किया जैन आबिदीन ने। उसके बाद कोठी के अंदर तरह तरह की मीटिंग बुलाता है, ये इस गद्दी काबिल रहा। मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ गरीब नवाज का सज्जाद रशीद सैयद अलाउद्दीन आरिफ चिश्ती बन चुका है आज से। आज के तीनों अखबार में खबरें आई हैं जिसमें तीन तलाक के मुताबिक कुरान पढ़ के जो बयान है इसका, मैं मुफ्ती साहब का अखबार ले गया, जबानी तौर उनका ही आदमी मुर्तद हो चुका है। जो आदमी हनफी मुसलमान रहा वो सज्जाद रशीद नहीं रह सकता। हमारा ख्याल नहीं तरीका है, हमने आपस में डिक्लेयर कर लिया, लिखित में हम फतवे बाद में मंगाते रहेंगे तरीके से, और जो प्रशासन दरगाह कमेटी सब हम लिख देंगे। आज जब मैंने गद्दी गरीब नवाज की अपील कर ली है, गद्दी में बैठ चुका हूँ मैं। अब आपको अस्सलाम वालेकुम।